हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश खोसले है और जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके आरजे सिविल इंजीनियरिंग कर दिया है। अब मैं इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा इंजीनियरिंग से रिलेटेड पहला वीडियो रहेगा बिल्डिंग फाउंडेशन के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन है क्या, किस किस फाउंडेशन में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं और किस किन फाउंडेशन का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के ऊपर के पार्ट को बोला जाता है और ग्राउंड लेवल के नीचे के पार्ट को सब स्ट्रक्चर बोला जाता है। ग्राउंड लेवल के नीचे का यही सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट ही फाउंडेशन कहलाता है। फाउंडेशन के अंतर्गत फुटिंग आती हैं, फुटिंग के नीचे कंक्रीट बेड आता है, देन सॉइल। तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, सुपर स्ट्रक्चर से आने वाला लोड फाउंडेशन के थ्रू सॉइल पर इक्वली ट्रांसफ़र होता है। फाउंडेशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सेल्फ फाउंडेशन, सेकेंड डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन वे फाउंडेशन होते हैं जिनकी हाइट उनके विड्थ से कम होती है एंड इस टाइप के फाउंडेशन का यूज़ मध्यम और हल्की भार वाली संरचना के लिए किया जाता है एंड इस टाइप के फाउंडेशन को गुड क्वालिटी वाले सॉइल पे दिया जाता है। डीप फाउंडेशन वे फाउंडेशन होते हैं जिनकी हाइट उनके विड्थ से बहुत अधिक होती है। इस टाइप के फाउंडेशन का यूज़ हैवी स्ट्रक्चर के लिए एंड वीक क्वालिटी सॉइल के लिए किया जाता है। सेलो फाउंडेशन के फर्स्ट टाइप है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, सेकंड कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, थर्ड ग्रिलेज फाउंडेशन, फोर्थ स्टेप्ड फाउंडेशन एंड फिफ्थ राफ्ट और मैट फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का फर्स्ट टाइप है पाइल फाउंडेशन एंड सेकंड टाइप है वेल फाउंडेशन। वैसे तो डीप फाउंडेशन में और भी फाउंडेशन आते हैं जैसे कफर डैम, बट हम उनका स्टडी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे पाइल फाउंडेशन के भी और भी टाइप्स हैं जैसे बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, कंपैक्शन पाइल, टेंशन पाइल, बेटर पाइल, सीट पाइल, एंकर पाइल और फ्रेंडर पाइल। सेलो फाउंडेशन का फर्स्ट टाइप स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, यह लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है जिसमें कंटिन्यू कंक्रीट बेड के ऊपर ब्रिक वर्क द्वारा फुटिंग की जाती है या फिर आरसीसी वॉल द्वारा फुटिंग की जाती है। ये वॉल टाइप रहती है, देन उसके ऊपर डीपीसी वर्क करने के बाद स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सेकंड कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, इस प्रकार के फुटिंग फाउंडेशन में दो इंडिविजुअल कॉलम एक ही फाउंडेशन से स्ट्रिप बीम से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो इंडिविजुअल कॉलम के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, तो हम उसके फाउंडेशन को जोड़ के कंबाइन कर देते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन में कंक्रीट बेड के ऊपर दो या दो से अधिक बीम की लेयर बिछा दी जाती है। ये बीम स्टील सेक्शन जैसे आई सेक्शन का होता है जिसमें बीम के थ्रू इक्वली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस टाइप के फाउंडेशन का यूज़ ग्रिल के लिए बेस तैयार किया जाता है। इसमें पिलर के रूप में आई सेक्शन रहता है वर्टिकली, जिसको गजेट प्लेट के द्वारा ग्रिलेज बीम में कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टेप फुटिंग फाउंडेशन, इस टाइप के फाउंडेशन हम ढाल वाली जगह पे देते हैं जहाँ पे स्लोप रहता है। इस कंडीशन में अगर हम दोनों सिरों में अगर हम एक समान खुदाई करते हैं तो एक सिरे को ज़्यादा खोदना पड़ जाता है और एक सिरे को कम खोदना पड़ जाता है, नहीं जिससे फाउंडेशन की कॉस्ट हाई हो जाती है। इसलिए हम स्टेप फुटिंग यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टेप ग्रुप में फुटिंग को दे दिया जाता है, जिसमें स्टेप की हाइट
कंक्रीट के हाइट से अधिक नहीं होती है, और कंक्रीट के जहाँ जहाँ पे स्टेप दिया जाता है वहाँ पे ओवरलैप दिया जाता है, ओवरलैप भी कंक्रीट हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का फाउंडेशन का उपयोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे किया जाता है। राफ्ट या मैट फाउंडेशन, इस टाइप्स के फाउंडेशन को वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे इलाका काफ़ी दलदली हो या फिर माइंस वाले जगहों पे दिया जाता है। इस टाइप के फाउंडेशन में सारे के सारे कॉलम को एक चटाई नुमा बेड तैयार करते हैं, आरसीसी बेड, जिसमें सबको कनेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इसे मैट फाउंडेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा अनइक्वल सेटलमेंट से बचाव किया जा सकता है, या फिर राफ्ट फाउंडेशन उन कंडीशन में भी दिया जा सकता है जहाँ पे अब इंडिविजुअल फाउंडेशन देना पॉसिबल नहीं हो। डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के अंडर पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन फर्स्ट पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन उन जगहों में दिया जाता है जहाँ पे सॉइल की बेरिंग्स कैपेसिटी कम हो, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पे पाई जाती है, या फिर स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन पॉसिबल ना हो वहाँ पे भी पाइल फाउंडेशन दिया जा सकता है। इस टाइप के फाउंडेशन के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट जो डीप में होता है पाइल, सेकेंड पाइल कैप, एंड थर्ड कॉलम और वॉल्स, ब्रिक वॉल्स। लो बेरिंग कैपेसिटी सॉइल में ड्रिलिंग की जाती है मशीन्स के द्वारा, उसके बाद वहाँ पे पाइलिंग किया जाता है, देन उसके पाइलिंग के बाद पाइलिंग कैप किया जाता है ताकि वो कॉलम को सेटलमेंट से बचा सके, उसके बाद उस पर कॉलम या फिर ब्रिक वर्क कर दिया जाता है। पाइल फाउंडेशन में पाइलिंग तब तक की जाती है जब तक कि कोई हार्ड सरफेस ना मिल जाए या फिर कोई रॉक्स टाइप सरफेस ना मिल जाए। सेकंड वेल फाउंडेशन, वैसे तो वेल फाउंडेशन का यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे तो नहीं किया जाता, बट बड़े बड़े ओवरब्रिज बनते हैं वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत गहराई तक पानी भरा रहता है किसी टाइप्स का पाइल फाउंडेशन देना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें स्टील और वुडन के फर्मे लगते हैं काफ़ी गहराई तक, उसके बाद बीच वाला एरिया का वाटर निकाल दिया जाता है, डी वाटरिंग कर दी जाती है, देन उसमें सैंड फिलिंग की जाती है, वाटर सरफेस से नीचे, उस नीचे तक, ऊपर तक नहीं किया जाता है, उसके बाद उस पर कॉन्क्रीट वर्क किया जाता है, देन उसके ऊपर वेल कैप किया जाता है। वेल कैप लगाने के बाद, वेल कैप वैसा ही है जैसे पाइल फाउंडेशन में पाइल कैप होता है, देन उसके ऊपर पियर्स खड़े होते हैं जो कि ब्रिज को सपोर्ट देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमारा फर्स्ट सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।